वीडियो के लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं, ठीक है। उसका अब हम हिंदी का दे चुके हैं और रीजनिंग का भी तैयार हो चुका है। अब यह मेरा जीएस का है, ठीक है। तो जीएस का पार्ट दे रहा हूँ, तो इसको आप वीडियो के जो वैकेंसी है उसके लिए प्रॉपर बनाया गया है। बट आप अगर कोई भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीके प्रश्न आता है तो जीएस संबंधित यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डीएसएसबी, राजस्थान पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वनडे का, सब में आएगा। तो आप केवल वीडियो के ही पर्पज़ से नहीं, अर्थात आप सभी एग्ज़ाम पर्पज से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक। तो स्वागत है दोस्तों आपका ऑल वनडे एंड अदर एग्ज़ाम चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग जीएस का प्रश्न शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। तो सामान्य जानकारी का जो पहला प्रश्न है वह है संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था यानी कि लोक सेवा आयोग को कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका डी, जाइलम्स के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 2016 के लिए जनवरी 2018 में किसे भारत भारती सम्मान दिया गया है। इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका तो आनंद प्रकाश दीक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जिन्हें 2018 में भारत भारती सम्मान दिया गया है, ठीक है, 2016 का। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 26वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 26वां स्थान है महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न है वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, लियो टॉलस्टॉय। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है, वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग समूह द्वारा संचालित एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा डी, यानी कि रेणुकूट में, ठीक है, रेणुकूट सोनभद्र में पड़ता है। ये आपका हो जाएगा बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्यूमिनियम कारखाना रेणुकूट सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि कब हुई थी, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 2000 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2000 में हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 108 नंबर निम्नलिखित में श्री शंकराचार्य जी का मठ कहाँ स्थित है। तो शंकराचार्य जी का जो मठ है वो कहाँ स्थित है पूछा है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ, आपका उत्तर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह पूछा है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। 111 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी वह है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 112 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन
प्रारंभ हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्य थे, उसमें सदस्यों की संख्या पूछा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 12। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उस समय संविधान निर्मात्री सभा में कुल 12 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, जो भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनना था। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1953 में आंध्र प्रदेश जो है भाषाई राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य था भारत का। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जीएसटी कर प्रणाली को 1954 में अपनाने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, आपका 1954 में जीएसटी अपनाने वाला पहला देश है विश्व में। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में जीएसटी या वैट के रूप में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें बी भूटान, जहां पर जीएसटी या वैट के प्रत्यक्ष रूप से कर व्यवस्था लागू नहीं है। अगला जो प्रश्न है, 117 नंबर, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा कब मंजूरी दी गई थी। तो जीएसटी बिल पर जो मंजूरी दी गई थी वह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दी गई थी, और इसे कब दिया गया था, तो यह दिया गया था आपका 8 सितंबर 2016 को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट किस वर्ष से जारी किए गए। तो भारत में जो महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट हैं वह जारी किए गए थे 1996 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 119 नंबर, वह है किसी व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 120 नंबर, वह है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा आबू पर्वत पर। ठीक है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, आबू पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 121 नंबर प्रश्न है, राजा को राजकार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता, यह प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह कौटिल्य ने कहा था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कौटिल्य। अगला जो प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था। ठीक है, तो 122 नंबर जो प्रश्न है वह है शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न 123 नंबर, वह है सुमेलित करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसको सुमेलित करना है। तो आपको मैं बताता हूँ, सूची 1 सूची 2 में दिया गया है। पहला दिया गया उरी आतंकी हमला और पठानकोट आतंकी हमला, संसद पर आतंकी हमला, मुंबई पर आतंकी हमला। तो इसका जो सही कूट है वह आपका हो जाएगा सी, यानी कि सारे के सारे जो कूट दिए गए हैं वह एकदम सीधे दिए गए हैं। उरी आतंकी हमला जो हुआ था वह 18 सितंबर 2016 को हुआ था, पठानकोट आतंकी हमला जो हुआ था वह 2 जनवरी 2016 को हुआ था, फिर उसके बाद जो संसद पर आतंकी हमला दिया है वह हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, फिर मुंबई पर आतंकी हमला जो दिया था वह 26 नवंबर 2008 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो प्रश्न है वह है, मार्च 2018 में सुकमा नामक स्थान पर नक्सलियों ने सेना के जवानों पर हमला किया, यह किस राज्य में स्थित है। तो सुकमा किस राज्य में स्थित है, तो वह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, छत्तीसगढ़। 125 नंबर जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले पुरुष राज्यपाल थे वह थे विधुभूषण मलिक। ठीक है, विधुभूषण मलिक जो थे वह पुरुष राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सबसे पहले थे। अगला जो प्रश्न है, आंवला का सबसे अधिक उत्पादक जिला कौन सा है। तो आंवला का जो सबसे अधिक उत्पादक जिला है वह है प्रतापगढ़। ठीक है, आंवला का सबसे अधिक उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है।
इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो पहले सभापति थे वह थे चंद्रभाल। ठीक है, जो चंद्रभाल थे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति थे चंद्रभाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम विहार है वह उन्नाव जिले में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम विहार स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो वह है बैगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म के 13वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 13वें जो इनके तीर्थकर थे वह थे पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था काशी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था काशी में, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सौभाग्य योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2017 को किस स्थान से की गई थी? ठीक है, यह किस स्थान से की गई थी सौभाग्य योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा? तो यह की गई थी बीघापुर उन्नाव में। ठीक है, बीघापुर उन्नाव के बीघापुर से की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई मुखबिर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, जो मुखबिर योजना चलाई गई है वह है कन्या भ्रूण हत्या से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश राज्य में नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है वह है बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में नरौरा परमाणु संयंत्र स्थित है। अगला जो प्रश्न है, राहुल भटनागर समिति का संबंध है? तो राहुल भटनागर जो समिति का संबंध है वह है किसानों की फसल ऋण माफ़ी से। ठीक है, ये इसलिए गठित की गई थी किसानों की जो ऋण माफ़ी के लिए, फसल की ऋण माफ़ी के लिए राहुल भटनागर समिति बनाई गई थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसका, ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गांवों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का अभाव है वहाँ पर ग्राम क्षेत्रों में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 136वां प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी जल धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो कौन सबसे बड़ी झील है जिसे काली धारा से जाना जाता है? तो वह है क्यूरोसियो धारा। ठीक है, तो क्यूरोसियो धारा जो है उसे काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रधानमंत्री। 138वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है भारत? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, खाद्यान्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो स्थित है वह स्थित है जयपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जयपुर। अगला जो प्रश्न है वह, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी वह शुरू गई थी 1998 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1998 में क्रेडिट कार्ड योजना शुरू गई थी किसानों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है। तो कितना जोत क्षेत्र परिभाषित किया गया है छोटे किसानों को? तो वह है 1 से 2 हेक्टेयर भूमि जिसके पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 142वां प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इंदौर को 2017 के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में माना गया है। अगला जो प्रश्न है, मन की बात
ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मन की बात, ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन इन रेडियो के जो लेखक हैं वह हैं राजेश जैन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, राजेश जैन। अगला प्रश्न है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 का मेजबान देश कौन था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। किस राज्य ने 1 लाख शौचालयों की स्थापना करने के लिए मिशन संभव अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो किस राज्य ने 1 लाख शौचालयों की स्थापना करने के लिए मिशन संभव शुरुआत की है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा असम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, असम ने। 146, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, जिन शब्द का जो प्रयोग है सबसे सर्वप्रथम जोहानसेन ने किया। ठीक है, जोहानसेन ने किया था जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? तो चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है वह है सोडियम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, 149 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है वह है लखनऊ में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लखनऊ में। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।